नैना देवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश की खेल नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महज प्रदेश के खिलाड़ियों को लॉलीपॉप देने जैसा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि नई खेल नीति के अनुसार गांव से शहरों तक नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए 58 करोड़ का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था, लेकिन अभी तक बुनियादी तौर पर कुछ भी नहीं हो पाया है, जो कि प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ किसी मजाक से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री व नैना देवी से कांग्रेसी विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश की खेल नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन उनको खेल के लिए बेहतर वातावरण और साधन नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनका मनोबल गिर रहा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि हाई एल्टीट्यूड खेलों को भी बढ़ावा देने की बात खेल नीति में कही गई थी, लेकिन आज तक धरातल पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही कोच की भर्ती को लेकर भी रामलाल ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं। रामलाल ठाकुर ने सीपीएड व डीपीएड की 2 सप्ताह की ट्रेनिंग करने वाले अभ्यर्थियों को चोर दरवाजे से भर्ती करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता से सुझाव जनवरी के महीने में मांगे थे, लेकिन उन सुझावों पर कितना विचार किया गया है अभी तक भी रहस्य बना हुआ है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2001 में प्रदेश की खेल नीति बनाई गई थी, लेकिन वर्ष 2005 में उन्होंने खेल मंत्री रहते हुए एक नया ड्राफ्ट खेल नीति और खेल संघों के बारे में तैयार करवाया था, लेकिन उसके बाद अब हिमाचल की जयराम सरकार ने 19 साल बाद खेल नीति 2020 तैयार की है, लेकिन उनमें खिलाड़ियों को मिलने वाले सम्मान और उनके रोजगार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे खिलाड़ियों की अनदेखी हो रही है। रामलाल ठाकुर ने युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया से खेल नीति के तहत उपमंडल स्तर से जिला स्तर पर आयोजित करवाए जाने वाली खेल गतिविधियों को लेकर विभिन्न एसोसिएशन पर दबाव बनाने की अपील की है, ताकि कार्यक्रमों का सफल आयोजन हो सके और होनहार खिलाड़ी उभर कर सामने आ सके। कार्यक्रम रिजल्ट लेके नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये भी कहा गया है, जो मंत्री जी का बयान है, कि 58 करोड़ रुपए जो है वो शहरों में और गांव में जो खेल गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो है वो कई जगह ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी खोले जाएंगे, लेकिन बजट कहाँ पे है? आंकड़े बोलना और फिर बजट सेशन में बजट जो है वो ग्राउंड पे आना, ये बहुत बड़ा एक ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हम कह देते हैं लेकिन उसके बाद उस काम को हम पूरा नहीं करते। पिछले वर्षों से हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए जो कोचिज़ हैं उनकी भर्ती करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी और जो उसमें चाहे मुख्यमंत्री हों या चाहे वो मंत्री इंचार्ज हों, उन्होंने इन सीटों को भरने का जो है वो लोगों से वायदा किया, खिलाड़ियों से वायदा किया। एक तो पहली चीज़ है कि जो NIS करके आते हैं वो खिलाड़ी जो है वो उनको नौकरी नहीं मिलती, उनकी एडजस्टमेंट नहीं होती। आप हरियाणा की तर्ज पे देख लीजिए, जहाँ पे सैकड़ों कोचिज़ जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट भर्ती कर रही है, कोई CPA की जो ट्रेनिंग कर रखी है उसको कोच कैसे लगाया जा सकता है? लेकिन हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों को चोर दरवाजे से अंदर घुसाने के लिए ये कहा गया कि जो CPA या DPA का किए हुए लोग हैं वो उनकी अगर 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी अगर मान लो कहीं पे कोचिज की होगी तो उसको भी बिल्कुल बराबरी से NIS कोच के बराबर जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा ये नहीं हो पा रहा है, ये सिर्फ लोगों को चोर दरवाजे से भरने की बात है, उनको रोज़गार देने की बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो पिछले सालों से जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उसको भरने का जो है वो इंतजाम किया जाए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।